आप देख रहे हैं TNB। मोदी सरकार के दो भाई, बेरोजगारी और महंगाई। 70 साल में बढ़े 410 रुपए, 8 साल में बढ़े 410 से 1053, मतलब 8 सालों में 156% की बढ़ोतरी। रिजर्व बैंक ने बोला है कि 6% से ज्यादा होनी नहीं चाहिए और आइडियली 4% होनी चाहिए। ये बेशरम लोग कह रहे सिर्फ 7%। अरे किस व्यक्ति की आय 7% बढ़ी मोदी जी, आपके दो दोस्तों के अलावा बता दीजिए। अगर कोई हीरे का सेट खरीदने जाए तो 1.5% GST और कोई आटा खरीदने जाए तो 5% GST। मतलब मोदी सरकार हीरे व्यवसायियों के साथ है, हमारे मेहुल भाई नीरव मोदी के साथ है। लगातार बढ़ती महंगाई को लेकर एक बार फिर से कांग्रेस जो है वो सड़कों पर उतरने वाली है। हमारे साथ ज़्यादा बातचीत करने के लिए इस वक्त मौजूद हैं कांग्रेस राष्ट्रीय प्रवक्ता प्रोफेसर गौरव वल्लभ जी। सर, ऐसी क्या ज़रूरत आन पड़ी कि कांग्रेस एक बार फिर से महंगाई के मुद्दे को लेकर सड़कों पर उतरे? मोदी सरकार के दो भाई, बेरोजगारी और महंगाई। आज गैस सिलेंडर के दाम जो आज़ादी से लेके 2014 तक 410 रुपये प्रति सिलेंडर हुए थे, वो पिछले 8 साल में 410 से बढ़कर 1053 रुपये प्रति सिलेंडर हो गए। मतलब 70 साल में बढ़े 410 रुपये, 8 साल में बढ़े 410 से 1053, मतलब 8 सालों में 156% की बढ़ोतरी। जो कच्चे तेल की कीमतें 2014 की तुलना में आज भी कम है, पर डीजल की कीमत 2014 की तुलना में आज 2.25 गुना है। सरसों तेल जो 90 रुपये प्रति लीटर था, आज 200 रुपये प्रति लीटर है। दूध जो 30 रुपये प्रति किलो लीटर मिलता था 2014 में, वो आज 60 रुपये प्रति लीटर है। जो 22 रुपये प्रति किलो आटा मिलता था, वो आज 40 रुपये प्रति किलो मिल रहा है। तो हम बार बार ये पूछते हैं और कहना चाहते हैं, मोदी सरकार के दो भाई, बेरोजगारी और महंगाई। और आगामी 4 सितंबर को कांग्रेस रामलीला मैदान में एक ऐतिहासिक रैली आयोजित करेगी, जिसको राहुल गांधी जी समेत कांग्रेस के सभी शीर्ष नेता संबोधित करेंगे और मोदी जी से सवाल पूछेंगे कि कच्चे तेल की कीमतें कमी होने के बावजूद डीजल की कीमतें 14 की तुलना में 75% ज़्यादा क्यों हैं, पेट्रोल की कीमतें 40% ज़्यादा क्यों, गैस की कीमतें 156% ज़्यादा क्यों हैं, क्यों देश में 20 से 24 वर्ष की आयु वर्ग में 42% बेरोजगारी है। इन सवालों का जवाब हम ऐतिहासिक रामलीला मैदान में जो रैली है, महंगाई के खिलाफ हल्ला बोल रैली में पूछा जाए। सर, कांग्रेस लगातार महंगाई का मुद्दा उठा रही है, लेकिन वहीं बीजेपी का ये कहना है कि महंगाई सिर्फ 7% है, महंगाई डबल डिजिट में नहीं बढ़ रही है। अगर डबल डिजिट में बढ़ेगी तब कहा जाएगा कि हाँ, तो 7% कम होते हैं। मुझे तो इनकी बेशर्मी पर हंसी आती है। 7% रिजर्व बैंक ने बोला है कि 6% से ज्यादा होनी नहीं चाहिए और आइडियली 4% होनी चाहिए। ये बेशरम लोग कह रहे सिर्फ 7%। अरे किस व्यक्ति की आय 7% बढ़ी मोदी जी, आपके दो दोस्तों के अलावा बता दीजिए। लोगों की आय तो कम हो रही है, लोगों के घर में बेरोजगारी बढ़ रही है, 20 से 24 आयु वर्ग के 42% युवाओं के पास रोजगार नहीं है, आप कह रहे हो सिर्फ 7% है। शर्म आनी चाहिए आपको ये बात बोलते। सर, एक आखिरी सवाल और है कि जो जरूरत की चीज है उस पर ज्यादा GST लगाया जा रहा है और जो आम जनता जो है, जो एक मध्यम वर्ग है, जो वो चीज खरीद भी नहीं सकता है, उस पर बहुत कम GST लगाया जा रहा है। कहाँ पे? और मैंने आपको एक उदाहरण दिया कि हीरे पर अगर कोई हीरे का सेट खरीदने जाए तो 1.5% GST और कोई आटा खरीदने जाए तो 5% GST। मतलब मोदी सरकार हीरे व्यवसायियों के साथ है, हमारे मेहुल भाई नीरव मोदी के साथ है, पर हिंदुस्तान के अन्नदाता, हिंदुस्तान के निम्न आय वर्गीय परिवार, हिंदुस्तान के मध्यम आय वर्गीय परिवारों के साथ नहीं है। पेट्रोल, डीजल, गैस, दूध, आटा, खाने का तेल, सब में 40% से लेके 250% तक की पिछले 8 सालों में वृद्धि हुई है। किस इकोनॉमिक मॉडल के तहत आटे पर, मुरमुरों पर, मच्छी पर, दही पर, पनीर पर, लस्सी पर, छाछ पर 1000 से कम
दाम वाले होटल कमरे पर आपने जीएसटी लगाई मोदी जी, और वो भी ऐसी जीएसटी जिसमें हीरे पे जीएसटी कम है पर आटे पे जीएसटी ज्यादा, ये कौन सा इकोनॉमिक मॉडल? हमारे साथ बातचीत कर रहे थे प्रोफेसर गौरव वल्लभ, जिन्होंने लगातार देश में कमर तोड़ बढ़ती महंगाई को लेकर बीजेपी को घेरा है, और जो उनका अभी आगामी प्रोग्राम कांग्रेस की तरफ से जो किया जाने वाला है, जिसे राहुल गांधी जी जो है संबोधित करेंगे, उसे लेकर तमाम जानकारियां दी हैं, और साथ ही कितने परसेंट देश में महंगाई लगातार बढ़ रही है उसका आंकड़ा भी हमारे साथ रखा है। महंगाई लगातार बढ़ रही है लेकिन बीजेपी जो है वो इसको मानने को तैयार नहीं है, वो अपने अपने तर्क जो है वो सामने रख रही है, और लेकिन उसके बावजूद भी कांग्रेस लगातार महंगाई का मुद्दा उठा रही है। आप क्या सोचते हैं इस विषय पर, क्या राय रखते हैं, कमेंट बॉक्स में अपनी बात जरूर लिखिए। कैमरा पर्सन राज राजपूत के साथ मनीषा लखवाल, टीएनबी न्यूज दिल्ली। हमारे ताजा अपडेट्स पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें।